नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर मेरठ की सीमा को लेकर दोनों जिले की राजस्व टीम आमने सामने आ चुकी है। कई दिनों से चल रहे पैमाइश से बिजनौर एवं मेरठ जिले की राजस्व टीम सहमत नहीं है। दो हफ्ते पहले दोनों जिले के राजस्व अधिकारियों ने तय किया था कि वन विभाग द्वारा सर्वेयर को बुलाकर सीमांकन कराया जाएगा। आपको बता दें कि बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर के अंतर्गत ग्राम नारनौर, जहांगीरपुर, जाफराबाद, जलालपुर, रायपुर, खालपुर के किसानों का कहना है कि 1957 में गंगा जी का प्रवाह बिजनौर जिले में था, परंतु इसके बाद पहाड़ों से आने वाले पानी के तेज बहाव के कारण गंगा अपना स्थान छोड़कर मेरठ की ओर कटती गई। 60 वर्ष में गंगा जी लगभग 3 किलोमीटर से अधिक मेरठ जिले की सीमा में चली गई। गंगा के स्थान परिवर्तन के कारण मेरठ जिले से बिजनौर जिले में आना कठिन था। पिछले 2 वर्ष से गंगा जी पर पुल बनने के बाद दोनों जिलों की सीमा का विवाद खड़ा हो गया, जिसको अब अंतिम रूप देने की योजना है। चांदपुर तहसील के नायब तहसीलदार श्याम सुंदर बैस, लेखपाल मोहित यादव के साथ मेरठ जिले की मवाना तहसील से सचिन चौधरी, नायब तहसीलदार नीरज सिंह, लेखपाल सुरेश शर्मा, कानून गो नवरत्न सिंह, वन क्षेत्राधिकारी मवाना के द्वारा मिलकर सीमांकन कार्य किया गया। अचानक मेरठ के राजस्व प्रशासन एवं वन विभाग की टीम ने हाईवे से दक्षिण दिशा की ओर जंगल में सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया, जिसको लेकर किसानों में हड़कंप मच गया। इसी विषय को लेकर आज तहसील चांदपुर में भारी संख्या में किसान पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। नया तहसीलदार ने सीमांकन का कार्य शीघ्र संपन्न कराए जाने का आश्वासन दिया। धरना देने वालों में मुन्नू सिंह, राकेश सिंह, किशोरी सिंह, वीर सिंह, करण सिंह, बूटी सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्याम बहादुर प्रधानपति, तेजपाल सिंह सैनी आदि मौजूद रहे। मेरा नाम राजेंद्र पंडित। राजेंद्र जी, आप यहाँ तहसील परिसर में आए, क्यों आए, क्या परेशानी है आपको बताओ। हमारी ये समस्या है, हमारा सन 56 और 54 में साहब, हमारा 55 में गांव ढह गए थे, तीन चार गांव ढह गए थे। जैसे आए के हमारी नानौर यहाँ गवर्नमेंट ने अलाटमेंट कर दिया था, वहाँ का बस गए थे, बस आ गया था हमें कानपुर की आराजी में। तो साहब उसे कहते कि जैसे कि बड़े बुढ़े गंगा जी जमीन छोड़ती गई, ऐसी खोदते जोतते चले आए, हम भी ऐसी उसमें अपने बच्चों की गुजर बसर कर रहे थे। अब क्या परेशानी हुई आपको? अब ये परेशानी हुई है कि जो मेरठ की वाले हैं, हमारी सीमा भी निकल चुकी है, मेरठ वाले जबरन कर रहे हैं अर्जी, उस सीमा को हमारे अधिकारियों की नापतोल को नहीं मान दे और हमारी खेती पलट रहे हैं। तो अब क्या चाहते हो अब? हम अपना न्याय चाहते हैं एकदम साहब से, हमारी सीमा बांध दे, हमारी क्या हो सके, पूरे जहाँ नफ्ती में आई है हमारी सीमा, वही हमारी सीमांकन का डॉलमेंट का। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।